सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज के एक इमरजन uh, हमने देखी थी सिविल राइट मूवमेंट की जो कि uh, तुरबत से स्टार्ट हुई थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो सर वो मूवमेंट बलुचि यहाँ पे कोयटा आई थी फिर उसके बाद आप सुनने में सुनने को मिल रहा है कि वो पंजाब की तरफ उन्होंने मूव किया हुआ है so, सर उनको एक तो मीडिया कवरेज नहीं दी जा रही और इस तरह सिविल राइट्स मूवमेंट्स उठते क्यों है सर ये मसले पहले क्यों हल नहीं होते हैं माई फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस सर एंड माई सेकंड क्वेश्चन इज दिस एज ए मैं sir, आपको बताता दिसम एन ब्रांड एक्स ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी समर प्रोग्राम्स फ्रॉम द प्रोग्रामुस्तान रीजन जो कि अभी तक इट्स अ uh, मेरे लिए कोई और नहीं बना बट सर जब मैं वहां पे गया था सर तो काफी मामालिक से लोग गवर्नमेंट फंडेड पे अपनी गवर्नमेंट के फंड्स पे वहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे आए थे तो सर इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स हमारे सूबे के लिए या हमारे मुल्क के लिए क्यों नहीं है सर थैंक यू सो मच सिविल मोमेंट सिविल एक्टिविटी पोलिटिकल एक्टिविटी आर्म्ड एक्टिविटी अन आर्म्ड एक्टिविटी इन तमाम के शेड हैं इन तमाम के शेड्स हैं और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर बलुचान के अंदर जहां जहाँ पर आप मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और सर्टन रेगुलेशन रूल्स लॉज के तहत जो पोलिटिकल रिलेशनशिप है वो हमारा डिफाइंड है पाकिस्तान के आइन में आप पैसे फर्द या ग्रोह कोई मलेशिया नहीं जनरेट कर सकते माशरे के ऐसे गुरु जो मजहब के नाम पे नस्ल की बुनियाद पे जबान की बुनियाद पे तशद्द पे उधर आते हैं उनके पास जवाज बाज़ात ठीक होगा बाज़त ठीक नहीं होगा लेकिन मसला तशद का है जवाज का नहीं है क्योंकि जवाज को एड्रेस करने के लिए आइन ने आपको पॉलिटिकल प्रोसेस की इजाज़त दी हुई है इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी हुई है सूबाई असम्बली में आने की इजाजत दी है सेनेट में आने की इजाजत दी है कौमी असम्बली में आने किसी पे पाबंदी तो नहीं है ना ये जितने लोग जो इस प्लेटफॉर्म पे हैं ये खड़े हो सकते हैं ये पेपर फाइल कर सकते हैं अभी आठ फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं फिर एक फोरम आएगा आपका जिसको असम्बली कहते हैं वहां पे ये तमाम अपने जो भी मसाइल हैं उनको उस पर उजागर कर सकते हैं उस पर कोई पाबंदी नहीं है किसी शहरी पे कोई पाबंदी नहीं है लेकिन इन जवास को बुनियाद बनाकर जब लोग तशद पर उतर आते हैं तो उस तशद को एक्सेप्टेबिलिटी देनी है या नहीं देनी है उन जवाज की बुनियाद पर ये ज्यादा अहम सवाल है हमारे यहां बदकस्मती से क्या होता है कि उन खूबसूरत रैशनलाइजेशन को एक तरफ हम आउटसोर्स कर देते हैं सिविल सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पे और दूसरी तरफ जो है ना उनके जो एक्चुअल वायलेंस के परपिट्रेटर होते हैं वो वायलेंस के एक्टर्स के तौर पे सामने आ रहे थे मिसाल के तौर पे मजहबी जमातें थी और दूसरी तरफ टीटीपी का वायलेंस था वो आके आपको कहते थे कि आप अमेरिका के गुलाम हैं और आपको क्या ज़रूरत है अमेरिका की गुलामी करने की तो ये बेचारे भी तो इसी तरह करेंगे फिर बेरोज़गारी भी है लम्बा चौड़ा एक जो है ना आपको पकड़ा देते थे वो उस तरफ आके खुदकुश हमले भी करते थे लोगों को एससिनेट भी करते थे आ, रेंसम भी लेते थे किसी में माशरे में इसी सिविल राइट्स मूवमेंट में ये न स्ट्रेंथ थी न केपेबिलिटी थी न विल थी कि इस चीज़ की नुकतची नहीं कर सके लेकिन चूंकि ये बड़ा पॉपुलर है सिविल राइट्स और सिविल एग्जिस्टेंस तो वो उसको मैस्कर उसको बुनियाद बनाकर इस आ, की रैशनलाइजेशन शुरू कर देते दूसरी तरफ बी एल है वो भी इसी तरह करते अभी एक मेरे ख्याल में वहां पर उन हलाक हुए मुझे नहीं पता कि वो कैसे हलाक हुए उसमें इन्वेस्टिगेट हो जाएगा उसी के लिए शायद ये लोग चल पड़े इससे चंद दिन पहले पंद्रह लोग जल गए थे कोस्टल हाईवे पे कोस्टल हाईवे पता है किधर है सारों को पता है या नहीं पता है ये भी पता है कि पंद्रह लोग जले थे नहीं पता है देखा दे पता ही नहीं है ट्विटर पे क्योंकि राइट मूवमेंट नहीं है उस पंद्रह लाशों को आगे ले जाने के लिए फिर आप बता उधर एक पुलिस स्टेशन के पास मजदूर आए हुए थे रहीम यार खान से मजदूरी करने के लिए पांच सौ चार सौ आठ सौ रुपए की दिहाड़ी के लिए तो उनको थाने में रखा गया कि यार कोई इनको नुकसान ना पहुंचे तो वो उन्होंने आके थाने के अंदर पुलिस वालों को भी कत्ल किया उनको भी शहीद किया फिर भी कोई सिविल राइट मूवमेंट ने बात नहीं की इंटरेस्ट नहीं होगा या हो सकता है वो सब ह्यूमन लेवल पर हो क्योंकि सिविल राइट्स मूवमेंट और उसका इजहार करने के कोई मखसूस लोग अगर फौत हो तो शायद फिर मसला है अगर उस तरह के मखसूस लोग ना हो तो फिर मसला नहीं है मेरे भाई गवर्नमेंट्स जो होती है ना उसके पास बड़ी विजिबिलिटी होती है गवर्नमेंट्स जो है ना उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है और उसका जो कैनवस होता है वो बड़ा ब्रॉड हो जाता है फिर उसके तहत कानून ने उसको ये इख्तियार दिया हुआ है कि मीडिया में इसको इजहार की इजाजत दी जाए या ना दी जाए ये इनहेरेंट राइट right नहीं है मीडिया को इजहार राय भी चंद कवानीन के तहत है मुझे उसामा बिन लादन और अहमद बिन जवारी को कभी ऑक्सफर्ड वालों ने बुलाया लेक्चर के लिए क्यों नहीं बुलाया बुलाना चाहिए था हावर्ड में बुलाना चाहिए था ऐसे गुफ्तू -गु करते गपशप लगाते समझते कि ये रेडिकल क्यों हो गए इतने ज्यादा नहीं किया हर चीज के क्यूत होते हैं तरीकाकार होता है रूल्स होते हैं उन रूल्स के तहत चला जाता है ये कवानी बनाए गए हैं, हमारे, उन कवानीन के तहत हम किसी पे पाबंदी भी लगा सकते हैं पाबंदी उठा भी सकते हैं जब भी वो उसकी वॉयेशन हुमत ये समझती है और उनके इन राइट्स को इंश्योर करने के लिए कोर्ट का निजाम मौजूद है तो हम सब एक निजाम के तहत चल रहे हैं ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल विलन है और ये सिविल राइट्स वाले सारे हीरो हैं प्रॉब्लम ये है कि प्रोजेक्शन ऐसे ही की जाती है बहुत सारी जगहों पर ये करते हैं। हम इनकी एग्जिस्टेंस को तो रिकॉगनाइज करते हैं लेकिन इनकी तमाम के तमाम बयानियां के सामने सरेंडर तो नहीं किया जा सकता